हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिएट चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड T20 के बारे में। तो ऐसे में इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, इस सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था धर्मशाला में, और वो मुकाबला बारिश के कारण बिना किसी गेंद के डले हुए जो है कैंसिल हो गया था। तो ऐसे में दूसरे मुकाबले में हम लोग जो है काफी ज्यादा उम्मीदें रख सकते हैं। ये मुकाबला मोहाली में खेला जाने वाला है, और यहाँ पे बैट्समैन फ्रेंडली जो है ट्रैक होता है, बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है। 180 के आसपास एवरेज रन बन जाते हैं। IPL में भी 160 के एक्सेस में ही रन बनते थे इस ग्राउंड पे। और यहाँ पे इंडिया के पास कुछ ऐसे बैट्समैन भी है जिनका जो है इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड है काफी बढ़िया। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का इस ग्राउंड पे काफी बढ़िया जो है रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा KL राहुल से भी हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि वो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम का पार्ट थे और उनका ये होम ग्राउंड है। तो ऐसे में यहाँ पे इंडिया यहाँ पे उम्मीद कर सकती है कि उनके बैट्समैन यहाँ पे एक काफी ज्यादा प्रेजवर्दी परफॉर्मेंस देंगे। वैसे मोहाली में फास्ट बॉलर्स ने जरूर ज्यादा विकेट लिए हैं, पर फिर भी स्पिनर्स का भी योगदान काफी क्रूशियल रहेगा, क्योंकि स्पिनर्स ने जो है कम इकोनॉमी पर रन दिए हैं और स्ट्राइक रेट भी स्पिनर्स का कम रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे कृणाल पांडे और राहुल चहर के ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार रहेगा स्पिन डिपार्टमेंट का, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप उतनी बढ़िया स्पिन को नहीं खेलती है। बात साउथ अफ्रीका की निकल ही गई है, तो उनकी टीम के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस सीरीज के लिए उनके नए कप्तान क्विंटन डीकॉक जो है किस इंटेंट के साथ कप्तानी करेंगे वो देखने वाली चीज होगी, क्योंकि मैंने इससे पहले उन्हें कभी भी जो है कप्तानी करते हुए नहीं देखा है। तो इसलिए मैं उनके ऊपर कोई ओपिनियन तो नहीं दे सकता, पर फिर भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस तरीके से टीम को हैंडल करते हैं और इस मैच प्रेशर को जो है पूरे तरीके से टीम पर चटाने में क्या कामयाब हो पाते हैं, और क्या यहाँ पे विराट कोहली की एक तगड़ी टीम को हराने में कामयाब होते हैं। वैसे कंडीशंस के ऊपर ध्यान दिया जाए तो कंडीशंस तो वैसे पूरे तरीके से टीम इंडिया को ही सपोर्ट करती है, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है और बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक का फायदा उठा सके ऐसा बैटिंग लाइनअप टीम इंडिया के पास है, साउथ अफ्रीका के पास है या नहीं। तो ऐसे जो है इन पिचेस पे ट्राइड एंड टेस्टेड बैट्समैन साउथ अफ्रीका के पास इस समय तो नहीं है। तो ऐसे में टीम इंडिया के पास ऐसे बैट्समैन है जिन्हें इन पिचेस पे खेलने का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे ये पिचेस मेरे ख्याल से थोड़ी सी ऐसी कौन सी भी पिच आप इंडिया में उठा लीजिए, वहां पे इंडियन बैट्समैन को ही ज्यादा फायदा होगा अगर आप साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के खिलाफ जो है कंपेयर करते हैं। शायद दूसरी टीमों के खिलाफ भी इंडियन बैट्समैन को ही फायदा होता है होम ग्राउंड का, पर फिर भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है बात अलग ही हो जाती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास इस समय जो है काफी यंग बैटिंग लाइनअप है, काफी यंग टीम ही है उनके पास, और वो जो है खिलाड़ी इन पिचेस पर बिल्कुल भी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। अभी बात करें कुछ की प्लेयर्स की जो इस मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो है मेरे ख्याल से रोहित शर्मा मेरे ख्याल से इस ग्राउंड पे बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके अलावा विराट कोहली, कृणाल पांड्या और जो है KL राहुल, ये खिलाड़ी भी इस ग्राउंड पे बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा क्विंटन डीकॉक, कगिसो रबाडा, एनरिच नोर्डजे और रजा हेंड्रिक्स, ये खिलाड़ी जो है मेरे ख्याल से इस मैच में की प्लेयर्स होंगे। इन 8 खिलाड़ियों का अगर आप किसी भी फैंटेसी टीम में रखते हैं तो आपका फायदा ही होगा। इसके अलावा दीपक चहर और राहुल चहर भी जो है बढ़िया ऑप्शंस है, जो कि इस मुकाबले में बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अभी बात करें मेरे प्रेडिक्शन की, तो मेरा मानना है ये मुकाबला जीतेगी टीम इंडिया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है जरूर से कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। जय हिंद।